ईद मुबारक ईद मुबारक सर्व समस्त देशवासियांना पवित्र रमजान ईद निमित्त मनपूर्वक कोटी कोटी हार्दिक शुभेच्छा हार्दिक शुभकामनाएं शुभेच्छुक शाकिर शेख मुख्य संपादक स्टार टू महाराष्ट्र न्यूज अध्यक्ष यादगार सोशल फाउंडेशन येवला तालुका येवला जिल्हा नाशिक हाजी आलमगीर शेख सल्लागार स्टार टू महाराष्ट्र न्यूज रमजान ईदच्या निमित्ताने बाजारामध्ये विविध प्रकारचे ड्रायफ्रूट हे मोठ्या प्रमाणात विक्रीस आले आहे. सर्व ठिकाणी कपडे लहान मुलांचे खेळणे विक्रीसाठी आले आहे. रमजान ईदसाठी मालगाव येथील मोठ्या किदवाई रोडवरील बाजारात विविध प्रकारचे ड्रायफ्रूट खरेदी करण्यासाठी अलोट गर्दी दिसून आली. यामध्ये विशेषतः मालगाव येथे यामध्ये प्रामुख्याने उपवास सोडताना किंवा पाहुणे मंडळींना घरी गेल्यावर तसेच इफ्तार पार्टीसाठी तयार करण्यात येणारा शिरखुर्मासाठी बदाम काजू किसमिस मनुखे अक्रोड यासह खोबरकेस खारीक चारोळी हे सर्व पदार्थ एकाच छताखाली विक्रीस ठेवणारे मालेगाव येथील ड्रायफ्रूट शॉपचे प्रमुख यांनी अधिक माहिती दिली. त्याचप्रमाणे जळगाव चाळीसगाव धुळे नांदगाव येवला मनमाड निफाड नाशिक येथून अनेक खरेदार येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात देखील रमजान सणानिमित्ताने विविध बाजार सजले. विविध ड्रायफ्रूट तसेच कपडे सुगंधी अत्तर असे अनेक वस्तू विक्रीसाठी बाजारात उपलब्ध आहेत. याबाबतचा हा खास रिपोर्ट स्टार टू महाराष्ट्र न्यूजसाठी शाकिर शेख यवला. मेरा नाम शहबाज है. मैं मोहम्मद साबिर है. मैं मालेगाँव से हूँ. ये हमारा ड्राई फ्रूट का शॉप है. ये मालेगाँव में ड्राई फ्रूट और शिरखुरमे के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं. मालेगाँव से जैसे जलगाँव है चालीसगाँव है दुलिया है शिरपुर है इधर येवला है मनमाड़ है चांदवाड़ है नासिक है. मालेगाँव में लोग स्पेशल ईद के लिए खरीदी करने के लिए आते हैं. उसमें ड्राई फ्रूट में शिरखुरमे के लिए ज़्यादा फोकस होता है. जैसे कि हमारे यहाँ शिरखुरमे के सामान में सब पिसा हुआ रेडी आइटम रहता है. जैसे खोपरे का पाउडर है ये किधर भी नहीं मिलता. बादाम का कतरन है पिस्ते का कतरन है काजू का कतरन है खारीक का कटा हुआ है ये सब एडिशनल आइटम है. और यहाँ स्पेशल मालेगाँव में जो शिरखुरमा है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू है. प्लस मालेगाँव में जो है ईद की खरीदी के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है. गांव वालों का कोऑपरेट रहता है. गांव वालों का यानी मिलनसार रहते हैं. हर लोग आते हैं यानी मुस्लिम नॉन मुस्लिम. नॉन मुस्लिम को खरीदी नहीं करना रहता पर यहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए आते हैं वो. यानी लोगों की ईद मनाने के लिए उनकी भी खुशी शामिल रहती है खरीदी में. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ. और अभी तो हमारा जो ड्राई फ्रूट का रेट थोड़ा 10-15% बढ़ चुका है. ये थोड़ा डीजल पेट्रोल के कारण और महंगाई तो सबको पता है. मेन रीज़न है इसमें डीजल पेट्रोल और भी चीज़ें जो बढ़ रही है उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमारा जो है थोड़ा ड्राई फ्रूट का रेट बढ़ चुका है. 15% तक वो ज़्यादा भाव है ये साल पिछले साल के मुकाबले में. और पुराना कोरोना के हिसाब से रेट डाउन होना चाहिए था. बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है और रेट बढ़ गए. जैसे लोग 100% खरीदी करते थे अभी 70% 50% खरीदी कर रहे हैं. भाव बढ़ने के कारण मेन रीज़न भाव.